बेडलिन हंटर्स कोरियाई बांग्या एक 2024 दक्षिण कोरियाई डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन हियो हीो मायूंग ने किया है और इसमें मा डोंग से उक, ली ही जून ली जून यंग और रो जियोंग ई ने अभिनय किया है ये फिल्म 2023 की फिल्म कंक्रीट यूटोपिया की सीक्वल है और सियोल के भूकंप के बाद एक सर्वनाशकारी भूमि में बदलने की कहानी पर आधारित है जहां कानून और व्यवस्था से लेकर सभ्यता तक सब कुछ ध्वस्त हो गया है दो ये फिल्म नेटफ्लिक्स का मूल निर्माण है और 26 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी तीन चार सारांश सर्वनाश के बाद की दुनिया में जिसे बैडलैंड्स के नाम से जाना जाता है कुशल शिकारियों का एक समूह बैडलैंड हंटर्स क्रूर डाकुओं और उत्परिवर्ती प्राणियों के ख़िलाफ़ रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में उभरता है दुर्जय जोड़ी नाम सैन और चोई जीवान के नेतृत्व में शिकारी अपने संघर्षरत गांव को बनाए रखने के लिए संसाधनों की तलाश करते हुए उजाड़ बंज भूमि पर नेविगेट करते हैं समस्या तब पैदा होती है जब एक रहस्यमय गिरोह समुदाय के एक प्रिय सदस्य सुना का अपहरण कर लेता है बेडलैंड हंटर्स उसे बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं और एक दुष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर यांग गीसु की भयावह साजिश का खुलासा करते हैं अमरता की खोज से प्रेरित होकर गीसु खतरनाक प्रयोग करता है पकड़े गए ग्रामीणों को म्यूटेंट में बदल देता है जैसे ही शिकारियों को बदले हुए सैनिकों और घातक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे एक परित्यक्त प्रयोगशाला के अंधेरे रहस्यों को उजागर करते हैं सूना और पूरे गांव का भाग्य अधर में लटक गया है क्योंकि बैडलैंड हंटर्स गहन लड़ाई में संलग्न हैं और अंततः घीसू के विकृत प्रयोगों का सामना कर रहे हैं अराजकता के बीच मित्रता की परीक्षा होती है और शिकारियों को अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए अपने युद्ध कौशल पर भरोसा करना चाहिए बेडलिन वॉरियर्स एक दिल दहला देने वाली लड़ाकू फिल्म है जो वफादारी बलिदान और एक ऐसी दुनिया में बेहतर भविष्य के लिए अथक लड़ाई की पड़ताल करती है जहां केवल सबसे मजबूत लोग ही जीत हासिल करते हैं पांच कास्ट करें मुख्य नामसान के रूप में माँ डोंग एक अथक बंजर भूमि शिकारी यांगीसू के रूप में ली ही जून एक डॉक्टर जो आपदा से बच गया छः चोई जीवान के रूप में ली जून यंग नामसान के साथी हानसू ना के रूप में रो ज्योंग एक सासी लड़की जिसका गीसू द्वारा अपहरण कर लिया गया है सात ली यून हो के रूप में अहम जी है एक विशेष बल साजिंड आठ समर्थन जंग यंग नाम शिक्षक के रूप में नौ ली हान जू ली जू ये के रूप में एक किशोर लड़की जिसका गीसू ने अपहरण कर लिया है टाइगर के रूप में पाख ह्यो जून नामसान का पूर्व प्रतिद्वंद्वी सूना की दादी के रूप में सियोंग ब्योंग सुख उत्पादन फिल्म की योजना 14 नवंबर 2021 को फिल्म कंक्रीट यूटोपिया के निर्माण के बाद बनाई गई थी दस फिल्मांकन 15 फरवरी 2022 को शुरू हुआ और 18 मई 2022 को समाप्त हुआ 11. 2 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स ने मार्शल आर्ट निर्देशक हेओ मायुंग हैंग द्वारा निर्देशित और सहनिर्माता के रूप में क्लाइमैक्स स्टूडियो बिग पंच पिक्चर्स और नोवा फिल्म द्वारा निर्मित फिल्म के निर्माण की पुष्टि की तीन एनजी हाई जो एक विशेष बल साजेंट यूनहो की भूमिका निभाती है ने फिल्म में अपने निन्यानवे प्रतिशत एक्शन दृश्यों का प्रदर्शन किया 12. रिलीज मूवी थिएटर प्रवेश घोषणा के लिए केओएफआईसी के एकीकृत कंप्यूटर नेटवर्क के अनुसार फिल्म 26 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी एक ये स्ट्रीमिंग के लिए 190 देशों में उपलब्ध है माँ डोंग सेओक कोरियाई मदंग सेओक जन्म 1 मार्च 1971 को ली डोंग सेओक जिन्हें डॉन ली के नाम से भी जाना जाता है एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं ट्रेन टू बुसान में अपने शानदार प्रदर्शन और उसके बाद की प्रमुख भूमिकाओं के साथ वह दक्षिण कोरिया के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए हैं वो 2018 में गैलप कोरिया के वर्ष के सर्वश रेस्ट फिल्म अभिनेता थे तीन करियर माँ को द नेबर नेमलेस गैंगस्टर रूल्स ऑफ द टाइम और द अनजेस्ट फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि मिली चार इसके बाद उन्होंने नोरिगे मर्डर और वन ऑन वन, वन में प्रमुख भूमिकाएं निभाई पांच छह जॉम्बी फिल्म ट्रेन टू बुसान में मां की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई सात इसके बाद फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाएं डेरिल द दे ब्रोज द आउटलॉस अनस्टॉपेबल चैंपियन द गैंगस्टर द कॉप द डेविल द बैड गाइज रेन ऑफ कैस और द राउंड के साथ साथ अलांग विद द गॉड्स में सहायक भूमिकाएं भी रहीं द लास्ट उनचास डेज और एशफॉल को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली जिसने उन्हें कोरियाई सिनेमा के मोस्ट बैंकेबल स्टार तक पहुंचाया। आठ नौ एक शून्य एक एक हालांकि मां को उनकी सख्त आदमी व्य कतित्व वाली भूमिकाओं के लिए जाना जाता है लेकिन अक्सर उनकी फ़िल्मों में इसी तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए उन्हें मनाया जाता है और उनकी आलोचना की जाती है बारह ट्वेंटी में वो गिल्ग्मेश के रूप में एमसीयू फिल्म इटनल्स के कलाकारों में शामिल हुए जिसने उनकी हॉलीवुड की शुरुआत की तेरह टेलीविज़न पर मां को हिट ओसियन श्रृंखला बैड गाइज और स्क्वाड अड़तीस में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है चौदह पंद्रह 2022 में मां ने एक अन्य बड़ी जापानी एजेंसी एलडीएच जापान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए सोलह उनकी 2022 रिलीज एक्शन क्राइम थ्रिलर द राउंडअप उनकी 2017 की फिल्म द आउटलॉस की अगली कड़ी है जिसे न केवल सर्वसम्मत सकारात्मक समीक्षा मिली बल्कि 2019 के बाद पहली बार 12 मिलियन प्रवेश को पार करके 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक तीसरी है दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म एक सात एक आठ एक नौ दो में डायस्टोपियन फिल्म बैडलैंड हंटर्स जिसमें मां बंज भूमि शिकारी की भूमिका निभा रही है 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी 20 अन्य गतिविधियां 2016 में मां अपने पश्चिमी नाम डॉन ली के तहत और अभिनय में आने से पहले मॉ मा मिश्रित मार्शल कलाकार मार्क कोलमैन और केविन रैंडलमैन के निजी प्रशिक्षक थे 21 अपनी प्रोडक्शन कंपनी टीम गोरिल्ला के साथ 22 माह वर्तमान में योजना बनाने और पटकथा लिखने में शामिल हैं उन्होंने फिल्म डीप ट्रैप की पटकथा पर काम किया जिसमें उन्होंने अभिनय किया तेईस वो ओसीएन ड्रामेटिक सिनेमा श्रृंखला टीम बुलडॉग ऑफ ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन के सह निर्माता भी हैं चौबीस बाह कुश्ती मां डोंग से ओक व्यक्तिगत जानकारी जन्म नाम ली डोंग सेओक उपनाम डॉन ली जन्म एक मार्च उन्नीस उम्र बावन सियोल दक्षिण कोरिया ऊंचाई 178 सेमी 5 फीट 10 इंच वजन 90 किगरा एक पाउंड माँ 2008 से एक शौकिया आम रेसलर रहे हैं और वो 2018 में कोरिया आम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने 25. व्यक्तिगत जीवन 2016 में माँ कथित तौर पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और मीडिया पर्सनैलिटी ये जंग हवा को डेट कर रहे थे 26 बीस -20 अक्टूबर 2022 को माँ की एजेंसी ने कहा कि उन्होंने और ये ने पिछले साल अपनी शादी का पंजीकरण कराया था कोविड 19 महामारी और व्यस्त कार्यक्रम के कारण विवाह समारोह बाद में आयोजित किया जाएगा सत्ताईस अट्ठाईस फिल्मोग्राफी मुख्य लेख मां डोंग सेयोग फिल्मोग्राफी पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग मनोनीत कार्य परिणाम संदर्भ 2012 हज़ार ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पड़ोसी मनोनीत 2013 हज़ार तेरह उनचास में बैक्सोंग कला पुरस्कार जीत गया उन्तीस 22वां बिल्ड फिल्म पुरस्कार मनोनीत सत्रहवां पुचौन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल ये पुरस्कार जीत गया दो हजार सोलह पांचवां एपीएन स्टार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता दस्ता अड़तीस मनोनीत पच्चीसवें बिल्ड फिल्म पुरस्कार पारिवारिकता मनोनीत सैंतीसवां ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार बुसान को ट्रेन मनोनीत दो हजार सत्रह वां कोफरा फिल्म पुरस्कार जीत गया तीस ग्यारहवें एशियाई फिल्म पुरस्कार मनोनीत तिरपनवाँ बैकसॉन्ग कला पुरस्कार मनोनीत बाईसवां चुनसा फिल्म कला पुरस्कार मनोनीत 2018 गोल्डन एग अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डाकू जीत गया इकतीस चौवनवें बैकसॉन्ग कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म मनोनीत बत्तीस तेईसवां चुनसा फिल्म कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत तैंतीस दूसरा कोरिया चीन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया चौंतीस 2022 सुंदर कलाकार पुरस्कार शिन यंग क्यू कला और संस्कृति फाउंडेशन फिल्म कलाकार पुरस्कार राउंडअप जीत गया पैंतीस नाइनवां कोरियाई फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया छत्तीस 2022 हजार बाईस किनलाइट्स अवार्ड्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घरेलू पांचवीं सैतीस दो दूरदर्शी पुरस्कार ए 2023 दूरदर्शी जीत गया उनतालीस उनसठवें बैकसॉन्ग कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म राउंडअप मनोनीत चालीस सूचियां प्रकाशक का नाम सूचीबद्ध वर्ष सूची का नाम और प्लेसमेंट प्रकाशक वर्ष सूची प्लेसमेंट संदर्भ सिने 21 2021 अभिनेता जो 2022 में कोरियाई वीडियो सामग्री उद्योग का नेतृत्व करेंगे छठा बी इकतालीस गैलप कोरिया 2017 गैलप कोरिया का वर्ष का फिल्म अभिनेता दो दो शून्य एक आठ एक चार दो चार तीन दो शून्य एक नौ दो चार 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 पाँच दो शून्य दो शून्य तीन चार छ दो हजार इक्कीस तीन दो हजार बाईस दो दो हजार तेईस एक पर्दा डालना दो शून्य एक नौ दो शून्य शून्य नौ दो शून्य एक नौ कोरियाई फिल्मों में शीर्ष बॉक्स पावर पावरहाउस अभिनेता दसवीं सैंतालीस नोट्स विजनरी अवार्ड्स जो दो हजार बीस में शुरू हुआ कोरियाई मनोरंजन उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों का चयन करता है और उन्हें पुरस्कार देता है यह उस व्यक्ति के अर्थ और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है जिसके चुने हुए ट्रेंड की बद ने प्रसारण फिल्में संगीत और प्रदर्शन सहित मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया है और उत्कृष्ट उपलब्धियों और प्रभाव के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र की अगली दृष्टि प्रस्तुत करता है अड़तीस जून किम किमसूह्यून जो जंग सुक पाक ज्योन्ग्मिन किमस्योनहो सोंग कांगह हो अहम्बोह्यून कांग रयू जून योल चोईवू शिक के साथ उल्लेख किया गया ली सुंग मिन कोरियाई मिन, जन्म 15 अक्टूबर उन्नीस वन एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं उन्हें टेलीविजन और फिल्म में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है विशेष रूप से गोल्डन टाइम 2012, ब्रोकन 2014, मिसेंग इनकम्प्लीट लाइफ 2014 और रीबॉन रिच 2022 में उनके बहुप्रशंसित प्रदर्शन के लिए दो तीन चार पाँच ली को 2018 की जासूसी फ़िल्म द स्पाई गॉन नॉर्थ में उनकी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा भी मिली है जिसके लिए उन्होंने पचपनवें बैकसॉन्ग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ज प्रारंभिक जीवन ली सुंग मिन का जन्म 15 अक्टूबर उन्नीस को ग्योंगसांग बुकडो में बोंगहवा और योंगजू के बीच स्थित दोचन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान वह अक्सर अपने पिता के साथ चले गए जो सियोल और गैंगवॉन सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित हो गए प्राथमिक विद्यालय की चौथी कक्षा तक वह अंततः अपने गृहनगर बोंगहवा नहीं लौटे जहां उन्होंने अपनी मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बार फिर अपना गृहनगर छोड़ दिया और डैगुवी ज्ञान विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में दाखिला लिया सात अपने अतीत पर विचार करते हुए यह उनके पिता ही थे जिन्होंने उनकी अभिनय यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया उनके पिता जो अपनी दयालुता और गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे अपने बेटे के साथ फिल्में देखने का बहुत आनंद लेते थे हालांकि उस समय बोंगहवा में मूवी थिएटरों की कमी थी यौंगजू में दो सिनेमाघर थे मूल्यवान ग्राहकों के रूप में जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो उनके पिता और वह उत्सुकता से दूसरों से पहले थिएटर में भाग जाते थे मुझे अभी भी किंग कांग और ब्रूस ली जैसी फिल्में अच्छी तरह याद हैं जो मां ने बचपन में अपने पिता के साथ देखी थीं सात अभिनेता ली सुंगमिन ने साझा किया जब मैं छोटा था मेरे पिता हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि मैं सप्ताहांत पर उत्कृष्ट फिल्में देखूं उनके लिए धन्यवाद मुझे सांस्कृतिक तत्वों का अनुभव करने का अवसर मिला जो इतनी कम उम्र में एक ग्रामीण बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण था उम्र शायद शुरुआती चरण से ही अपने पिता के माध्यम से फिल्मों को आत्मसात करने से मुझे अभिनय करियर बनाने और लगातार भावनात्मक प्रदर्शन में संलग्न रहने में मदद मिली सात करियर डेगू में प्रारंभिक करियर उन्होंने डेगू में थिएटर कंपनी ऑडियंस एंड स्टेज गायक सेयोगवा मुदाय का हिस्सा बनकर अपनी थिएटर यात्रा शुरू की इस अवधि के दौरान उन्हें निर्देशक चोई जू हवान और जियोंग जियोग चेओलवोन सहित सम्मानित सहयोगियों के साथ सहयोग करने का अवसर मिला दोनों ने पहले डेगू म्यूनिसिपल थिएटर कंपनी में निदेशक के रूप में पद संभाला था उन दिनों पर विचार करते हुए ली मिन ने टिप्पणी की उस समय प्रत्येक मंडली ने अलग अलग दिशाओं पहचानों का अनुसरण किया और अलग अलग कार्यों का प्रदर्शन किया सात डेगु में थियेटर गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने के दौरान उन्होंने तेजी से अपनी प्रतिभा के लिए पहचान हासिल की जब भी उन्होंने विभिन्न थिएटर समारोहों में भाग लिया उन्होंने सहजता से पुरस्कार बटोरे चौबीस साल की उम्र में उन्हें डेगू थिएटर फेस्टिवल में न्यू एक्टर अवार्ड मिला एक ऐसा सम्मान जो जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त उन्होंने डेगू थिएटर फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतकर डेगू क्षेत्र में अभिनेताओं के बीच सर्वोच्च सम्मान हासिल किया सात आठ बी उनसो नाटक में ली सुंग मिन की अपनी भाभी पत्नी से मुलाकात हुई वह नाटक बीअसो की कोरियोग्राफर थीं उनकी मुलाकात उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि ली सुंग मिन ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की नाइन दो हज़ार एक में ली थिएटर ग्रुप योनिन मुडे योन इन मुदुई द्वारा निर्मित नाटक पिग हंट में शामिल हुए कोरिया कला और संस्कृति संवर्धन एजेंसी निदेशक किम जियोंग ओके और कोरियाई थिएटर एसोसिएशन अध्यक्ष चोई जोंगवॉन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उन्नीसवें राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में इस नाटक को शीर्ष पू रस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला परिणामस्वरूप पिग हंट को 20 मिलियन का पुरस्कार मिला और अक्टूबर में आयोजित सियोल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया इस काम के निर्देशक हान जियोनगी और मुख्य अभिनेता ली सुंगमिन को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनय पुरस्कार मिला दस सियोल जाना 2002 में अपने तीसवें दशक के मध्य में होने के बावजूद ली सुंगमिन ने अपनी पत्नी और बेटी को डैगू में छोड़ने और सियोल में अकेले उद्यम करने का निर्णय लिया एक अभिनेता के रूप में अपना करियर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित व कोरियाई थिएटर उद्योग के केंद्र डेहाग्नो में अपने कौशल का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए उत्सुक थे उनके आसपास के लोगों के प्रोत्साहन ने उन्हें सियोल की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया उस समय ली सुंगमिन ने अपने परिवार से एक वादा करते हुए कहा मैं इसे तीन साल तक आजमाऊंगा और अगर चीजें काम नहीं करती हैं तो मैं वापस आ जाऊंगा नौ हालांकि ली को सियोल में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा गुजारा करने के लिए वह डेगू की साप्ताहिक यात्रा करते थे और अपनी पत्नी द्वारा प्रदान किए गए सौ शून्य 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 के मामूली भत्ते पर निर्भर रहते थे परिवहन कार्ड शुल्क और सिगरेट के खर्च में कटौती के बाद कुछ भी नहीं बचा था परिवहन लागत बचाने के लिए लीसुंगमिन डोंगडेगू स्टेशन से शिजिदोंग स्थित अपने घर तक दो घंटे की पैदल यात्रा करेंगे वह अपनी जेब में टैक्सी और चालक सेवा के फ़ोन नंबर रखते थे बेरोज़गारी की स्थिति में जल्दी से पैसा कमाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे किम सोजिन कोरियाई सोजिन हंजा जिन जिनसूचे जन्म बारह दिसंबर उन्नीस एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं दो उन्हें क्राइम ड्रामा द किंग 2017 में एक अभियोजक की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्होंने कई पुरस्कार जीते जिनमें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड ग्रैंड बेल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बैकसॉन्ग आर्ट्स अवार्ड शामिल हैं तब से द ड्रग किंग से लेकर द मैन स्टैंडिंग नेक्स तक की फिल्मों में उन्होंने खुद को प्रत्येक भूमिका में पूरी तरह से डुबो दिया है अपने अनुभवी अभिनय कौशल में ताजगी जोड़ी है और अपने स्वयं के अनूठे चरित्रों का निर्माण किया है करियर किम्सो जिन ने चुंग आंग विश्वविद्यालय के थिएटर विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी तीन पढ़ाई के दौरान उनकी नज़र बड्स डू नॉट क्रॉस एट द क्रॉस वॉक नाटक पर पड़ी जिसने थिएटर में उनकी रुचि जगाई चुंग आंग विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रुप अरिकोरिया में भाग लेकर और एक साल तक विदेश में प्रदर्शन करके अपने कौशल को और विकसित किया चार किम्सो जिन ने 2008 में स्टार्टिंग रासा नाटक से अपनी शुरुआत की पाँच 2009 में उन्होंने मंच पर एक परिवर्तनकारी पुनर्जन्म का अनुभव करते हुए नाटक यी संघ काउंट टू थर्टीन में अभिनय किया चार किम के पास कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से मास्टर डिग्री थी वह थिएटर मंडली चैमू से संबंधित हैं तीन छह किम्सो ने थिएटर कंपनी में अपने सहयोगियों के साथ सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग फ्लोज इन द सी बीथोवेन रोड टू सैंटियागो और स्टार्टिंग रासा जैसे कई नाटकीय काम किए उन्होंने म्यूजिकल मिडनाइट सेरेनेड में भी अभिनय किया सात किम्सो ने विभिन्न प्रदर्शनों और फिल्मों में विशिष्ट किरदारों के साथ खुद को अभिनय की दुनिया में मजबूती से स्थापित किया है 2012 में अत्यधिक प्रशंसित नाटक पुंग चान्नोसोग और द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग फ्लो इन द सी जैसे उल्लेखनीय कार्यों से शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने उल्लेखनीय अभिनय कौशल के लिए ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया उन्हें प्रदर्शन कला उद्योग में एक विश्वसनीय और सम्मानित अभिनेत्री के रूप में पहचाना गया है और उन्हें विश्वसनीय खजाना एक ऐसा अभिनेता जिस पर भरोसा किया जाता है का खिताब मिला है आठ दो में रिलीज हुई फिल्म हॉन्टर्स किम मिनसेओक द्वारा निर्देशित के साथ उन्होंने खुद को फिल्म उद्योग में एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया चार 2014 में वह थिएटर ट्रूप चैमू केसीईओ मिनबोक की द्वारा निर्देशित म्यूजिकल मूनलाइट फेरी एंड गर्ल में शामिल हुईं नौ इसके अलावा दो की फ़िल्म द किंग में किम सोजिन ने अभियोजक अहम ही योन के अपने चित्रण के साथ एक अमित छाप छोड़ी यादगार पंक्तियां प्रस्तुत की जो इतनी आश्वस्त करने वाली थीं कि उन्हें एक वास्तविक अभियोजक के लिए गलत समझा गया था चरित्र के साथ उनके असाधारण तालमेल को काफ़ी प्रशंसा मिली परिणामस्वरूप उन्होंने अड़तीसवें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स तिरपनवें बैक आर्ट्स अवार्ड्स और चौवनवें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता जिससे एक शीर्ष अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति मज बूथ हुई निर्देशक किम जी वून ने उन्हें फीमेल सॉन्ग कांगहो उपनाम दिया चार 2018 में उन्होंने ड्रग किंग वुमिन हो द्वारा निर्देशित में सोंग कांग द्वारा अभिनीत लीडू सैम की पत्नी सुंग सुंग क्यूँ की भूमिका निभाई उन्होंने 2018 में संस्कृति खेल और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित थिएटर श्रेणी में आज का युवा कलाकार पुरस्कार जीता दस संस्कृति खेल और पर्यटन मंत्रालय कार्यक्रम 2018 संस्कृति और कला के विकास के लिए पर्सन ऑफ मैरिट पुरस्कार समारोह 24 अक्टूबर बुधवार को दोपहर दो, दो शून्य शून्य बजे राष्ट्रीय आधुनिक और समकालीन कला संग्रहालय सियोल के मल्टी प्रोजेक्ट हॉल बी एक में आयोजित किया गया था ग्यारह बारह 2019 में किम ने किम यूनसियो की निर्देशित पहली फिल्म अदर चाइल्ड में यम जंग आ पाक से जिन और किम हेयू के साथ अभिनय किया का पुरस्कार जीता उनके अन्य कार्यों में मैट्रिमोनियल कैओस 2018 और रेन और शाइन 2017 2018 शामिल हैं करियर वो पहली बार 2015 में विज्ञापनों में दिखाई दीं और जब उन्होंने लेस्बियन रोमांस वेब श्रृंखला लिली फीवर में डेब्यू किया तब वो हने्यांग विश्वविद्यालय में थिएटर और फिल्म का अध्ययन कर रही थीं अनुभव प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक ऑडिशन में जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अप्रत्याशित रूप से सैटरडे नाइट लाइव कोरिया के लिए एक ऑडिशन पास कर लिया हालांकि उसने हमेशा खुद को कॉमेडी के लिए कोई प्रतिभा नहीं माना था और इसलिए 2016 में टीवी शो के नियमित कलाकारों में शामिल हो गई कई लोकप्रिय नाटकों में भाग ल कर अपना नाम रोशन करने के बाद उन्होंने जून में सीजन के अंत में शो छोड़ दिया उन्होंने ए ट्रांसफर स्टूडेंट जैसी कई लघु फिल्मों में अभिनय किया और कुछ टीवी श्रृंखलाओं में सहायक के रूप में दिखाई दीं द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट कोरियाई नमसानुई बुजांगड़ियल शाब्दिक रूप से चीफ्स ऑफ नैमसन वु मिनहो द्वारा निर्देशित 2020 की दक्षिण कोरियाई राजनीतिक ड्रामा फिल्म है इसी शीर्षक के एक मूल उपन्यास पर आधारित फिल्म में ली ब्यूंग ली सुंगमिन मिन और ली ही जून ने कोरियाई सरकार और कोरियाई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के उच्च पदस्थ अधिकारियों की भूमिका निभाई है उन्नीस में उनकी हत्या से चालीस दिन पहले पाक चुंगी की अध्यक्षता के दौरान तीन फिल्म का प्रीमियर 22 जनवरी 2020 को दक्षिण कोरिया में हुआ जहां ये 4 फरवरी 2020 तक बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही चार 5, 6, सात इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया आठ ये तिरानवे वे अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए दक्षिण कोरियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था नौ एक शून्य एक एक सारांश 1970 के दशक में कोरिया राष्ट्रपति पाक के पूर्ण नियंत्रण में था जो सरकार की किसी भी शाखा पर बढ़त रखने वाला संगठन केसीआईए को नियंत्रित करता था केसीआई के निदेशक किम ग्यूप्योंग लगभग दूसरे नंबर पर हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख से प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है भय के साम्राज्य के बीच केसीआई के पूर्व निदेशक पाक योंग जो सरकार के अस्पष्ट और अवैध संचालन के बारे में सब कुछ जानते हैं निर्वासन में चले जाते हैं और अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देते हैं जिससे जा च के द्वार खुल जाते हैं कोरिया गेट बारा जैसे जैसे तनाव बढ़ता है सत्ता चाहने वालों की दमघोंटू राजनीतिक चालें विस्फोटक ढंग से टकराने लगती हैं कथानक केसीआई के पूर्व निदेशक पाक योंगक संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट समिति की जांच में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पाक के खिलाफ गवाही देते हैं बारा पाक द्वारा शासन पर अपनी पांडुलिपि प्रकाशित करने की धमकी के साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पाक ने पाक योंग गक को अपनी पांडुलिपि प्रकाशित करने से रोकने के लिए केसीआई के वर्तमान निदेशक किम ग्यू प्योंग को भेजा किम वाशिंगटन जाती है जहां दोनों मिलते हैं और किम पाक से पांडुलिपि की मांग करती है पाक योंग गक ने इसे सौंप दिया लेकिन ये सुझा व राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार का संकेत दिया कि राष्ट्रपति पाक को अपतटीय स्विस खातों द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित किया जा रहा है अपना मिशन पूरा करने के बाद किम दक्षिण कोरिया लौट आता है और परिणामस्वरूप उसे राष्ट्रपति पाक के अंगरक्षक क्वाक सांग चे के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है राष्ट्रपति पर एक वायर टैपिंग साजिश का पता चला है और किम को एक प्रोफेसर पर संदेह हो गया है जो राष्ट्रपति के कार्यालय में तलाशी के समय मौजूद था पूछताछ के माध्यम से किम को पता चला कि कैसीआई एजेंट ने उसके आदेश के बिना काम किया है वह स्थिति की आगे की जांच के लिए एक एजेंट योंग को पेरिस भेजता है पैरिस में वायर टैपिंग के माध्यम से हैम को पता चलता है कि कैसीआई एजेंट अपने दम पर काम नहीं कर रहा था बल्कि क्वाक के आदेशों के तहत काम कर रहा था इसके माध्यम से ये पता चला कि क्वाक ने पूर्व निदेशक पाक की हत्या का आदेश दिया है जो पेरिस का दौरा करेंगे इस समय के दौरान राष्ट्रपति पाक निर्देशक किम को पूर्व निदेशक के साथ जो चाहे करने की आज़ादी देता है किम क्वाक से पराजित नहीं होने के लिए पाक योंग गक को मारने का संकल्प लेता है पेरिस में पूर्व निदेशक पाक की हत्या के उद्देश्य से दो अलग अलग टीमें उन्हें मारने की तैयारी करती हैं क्वाक की टीम पाक को अपने कमरे में फुसलाना चाहती है जबकि किम की टीम उसका अपहरण करना और फिर उसे मार डालना चाहती है पाक यौंग के सहयोगी डेबोरा शिरम जिसे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है कि मदद से निदेशक किम की टीम पहले पूर्व निदेशक पाक को पकड़ने में सक्षम है और उसे पेरिस से बाहर निकाल देती है हालांकि पाक भर के लिए पास के शहर में भागने में सक्षम है लेकिन हैम उसका पता लगा ला लग। है जो तुरंत उसे मार डालता है उसने पाक यौंगक के शरीर को एक हथौड़ा मिल में पीस दिया जो एक मुर्गी फार्म की चक्की है और इसे मुर्गी के चारे में बदल दिया गया हालांकि पाक किम के संचालन से नाखुश है ये देखते हुए कि किम ने पाक यौंग द्वारा प्राप्त किए गए स्पष्ट रूप से चुराए गए वित्त की समस्या का समाधान नहीं किया परिणामस्वरूप राष्ट्रपति पाक के साथ किम की दोस्ती और ख़राब हो गई और पाक ने किम पर अविश्वास करना शुरू कर दिया किम जो हत्या से बुरी तरह टूट गई है क्योंकि पूर्व निदेशक उसका दोस्त था तनाव में टूटने लगता है पूर्व निदेशक पाक की हत्या के कुछ समय बाद राष्ट्रपति पाक और उनके प्रशासन को बुसान और मसान में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के रूप में एक नए मुद्दे का सामना करना पड़ा साथ ही यह भी डर था कि ये विरोध प्रदर्शन सियोल तक फैल सकते हैं क्वाक एक कठोर रुख अपनाता है कठोर और त्वरित सैन्य हस्तक्षेप और मार्शल लॉ की घोषणा की सलाह देता है किम अधिक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देता है और पाक से मार्शल लॉ घोषित करने से बचने का आग्रह करता है पाक क्वाक का पक्ष लेते हुए मार्शल लॉ की घोषणा के साथ आग बढ़ता है इसके बाद किम को बताया गया कि पाक एक भोज आयोजित कर रहा है लेकिन उसने उसे नहीं बल्कि क्वाक को आमंत्रित किया है किम वैसे भी पाक और क्वाक के बारे में सुनने जाती है और उसे पता चलता है कि पाक किम की जगह लेने पर विचार कर रहा है फिर भी पाक एक अधीनस्थ को उनकी इच्छानुसार कार्य करने की मंजूरी देता है इस बार अधीनस्थ क्वाक है 26 अक्टूबर को पाक सैपैग्यो में एक बांध के लिए रिबन काटने का समारोह आयोजित कर रहा है किम उसके और क्वाक के साथ हेलीकॉप्टर में शामिल होने का प्रयास करता है लेकिन क्वाक उसे शामिल होने से रोकता है क्रोधित होकर किम कुछ योजना बनाने के इरादे से अपने अधीनस्थों को बुलाता है उस रात पाक ने किम को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया इसका उद्देश्य एक प्रकार की माफी मांगना है लेकिन किम इससे प्रभावित नहीं है रात्रिभोज के दौरान किम पिस्तौल लेने के लिए निकलता है और अपने अधीनस्थों से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो पाक को मार डालेगा कमरे में लौटने पर बातचीत गर्म हो जाती है इसकी परिणति किम द्वारा क्वाक को गोली मारकर घायल करने से होती है फिर वो पाक पर हमला करता है और उसे भी गोली मार देता है बारह जैसे ही ऐसा होता है किम के अधीनस्थ उस परिसर पर एक समन्वित हमले का आयोजन करते हैं जहां रात्रिभोज आयोजित किया जा रहा है और शेष अंगरक्षकों को मार देते हैं किम क्वाक को खत्म करने का प्रयास करता है लेकिन पिस्तौल जाम हो जाती है और उसे एक एजेंट से दूसरी बंदूक लेने के लिए कमरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है इस समय लाइट बंद हो जाती है और फिर वापस आ जाती है वह कमरे में लो टता है क्वाक की गोली मारकर हत्या कर देता है और पाक के सिर पर गोली मारकर हत्या कर देता है किम हमले के दौरान परिसर में मौजूद अपने अधीनस्थों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ जल्दी से निकल जाता है उन्हें नामसन या सेना मुख्यालय जाने के बीच विकल्प दिया गया है हत्या के गवाह मुख्य राष्ट्रपति सचिव ने उन्हें सेना मुख्यालय जाने का सुझाव दिया किम का मानना है कि इसकी वजह से स्क्रीन काली हो जाती है स्क्रीन काली होने के बाद एक उपशीर्षक दिखाई देता है कि किम ग्यूप्योंग को सेना मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया था और राष्ट्रपति की हत्या के दोषी के रूप में फांसी दी गई थी फिल्म एक पाठ के साथ समाप्त होती है जिसमें कहा गया है कि किम ने सेना मुख्यालय जाने का विकल्प चुना जहां वो पकड़ा गया था और चुंडू हवान की आवाज चुंडू ह्यू की वास्तविक मॉडल और किम जे ग्यू की आवाज किम ग्यूप्योंग की वास्तविक मॉडल दिखाई देती है कास्ट करें किम ग्यूप्योंग के रूप में ली ब्यूंग किम जे ग्यू पर आधारित काल्पनिक मुख्य पात्र जिन्होंने 1976 से उन्नीस तक आठवें केसीआई निदेशक के रूप में कार्य किया राष्ट्रपति पाक के रूप में ली सुंग मिन दक्षिण कोरिया के तीसरे राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के ग्यारहवें राष्ट्रपति पाक ग्यूनहें के पिता पाक चुंग पर आधारित तेरह पाक योंग के रूप में क्वाक क्वागडोव किम ह्योंग यूके पर आधारित चरित्र बारह जिन्होंने उन्नीस से उन्नीस तक केसीआई के चौथे निदेशक के रूप में कार्य किया क्वागसांग चिओन के रूप में ली ही जून चाजी चिओल्को पर आधारित चरित्र जिन्होंने राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के तीसरे निदेशक के रूप में कार्य किया था किम सो जिन एक पैरवीकार देबोरा श्रम के रूप में चुनडूह्युग के रूप में सेओह ह्यूनवु केसीआई के दसवें निदेशक और रक्षा सुरक्षा कमान के प्रमुख चुनडु हवान पर आधारित चरित्र जो बाद में दक्षिण कोरिया के पांचवें राष्ट्रपति बने किम किमगेहून के रूप में पापजी किम किमे वोनको पर आधारित चरित्र पांचवें केसीआई निदेशक जिन्होंने कोरिया गणराज्य सेना के 18वें चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया जंग सेय हो के रूप में किम मिनसांग सांग जियोग हवा पर आधारित चरित्र जिन्होंने कोरिया गणराज्य सेना के 22वें चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था कांग चांगसू के रूप में पाक यून एक केसीआई अधिकारी और सेना कर्नल पाक ह्यूंगजू को पर आधारित चरित्र महिला गायिका के रूप में जंग मी ह्यूंग सिम्सू बोंग पर आधारित चरित्र महिला विश्वविद्यालय छात्रा के रूप में जोहाई जू शिन जेसून कोरियाई सिंजेसून पर आधारित चरित्र केसीआई एजेंट हैम डे योंग के रूप में जी ह्यून जून एरिक बर्नार्ड फ्रांसीसी गुर्गे के रूप में डेविड पाइप सुनवाई समिति दो के सदस्य के रूप में चौदह स्वागत ये फिल्म जापान में केसीआईए नाम से 22 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी पंद्रह आलोचनात्मक स्वागत द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट को समीक्षा एग्रीगेटेड वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर सत्रह समीक्षाओं के आधार पर सात दशमलव पांच दस के औसत के साथ अठासी प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है सोलह पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2020 हजार बीस फिल्म कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वूमिन हो मनोनीत सत्रह अठारह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्यूंग होन जीत गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ली सुंगमिन जीत गया ली ही जून मनोनीत सबसे अच्छी सहनायिका सो जिन मनोनीत छप्पनवें बैक्सॉन्ग कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगला आदमी खड़ा है मनोनीत उन्नीस बीस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वू हो मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्यूंग होन जीत गया सर्वश्रेष्ठ पटकथा वु हो और ली जी मिन मनोनीत तकनीकी पुरस्कार सियोही मेकअप और बाल जीत गया उनतीसवें बिल्ड फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगला आदमी खड़ा है मनोनीत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वु मिनहो मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्यूंग होन् जीत गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ली ही जून जीत गया सबसे अच्छी सहनायिका सो जिन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ पटकथा वु मिनहो और ली जी मनोनित। सर्वश्रेष्ठ छायांकन जाओ राक्सन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ संगीत जो योंग वूक मनोनीत सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन जो हवासुंग पाग्यू बिन मनोनीत चालीसवें कोरियाई एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगला आदमी खड़ा है जीत गया शीर्ष दस फिल्में जीत गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली लीब्यूंग जीत गया चौदहवां एशियाई फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया सातवां कोरियाई फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वूमिनो जीत गया सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन चोहावासुंग पाग्यू बिन जीत गया सिने 21 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पटकथा मिन, मिन हो और ली मिन जीत गया 21। दो हजार इक्कीस इकतालीस ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगला आदमी खड़ा है जीत गया बाईस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वूमिन हो मनोनीत तेईस सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता ली ब्यूंग होन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ली सुंग मिन मनोनीत ली ही जून मनोनीत सर्वश्रेष्ठ पटकथा वूमिन हो और ली जी मिन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ छायांकन एवं प्रकाश व्यवस्था गो राक्सन सिनेमेटोग्राफी ली सेंग बिन प्रकाश व्यवस्था मनोनीत सर्वोत्तम संपादन जियोंग जी यू मनोनीत सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन चो हवासुंग पाक बिन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ संगीत जो योंग वुक मनोनीत तकनीकी पुरस्कार क्वाक योंग हवांग्यो क्यू मेकअप मनोनीत ये भी देखें डेहाग्नो में ली थिएटर ग्रुप चैमू में शामिल हो गए थिएटर ग्रुप चैमो के सदस्य के रूप में लीबी अंसो पिग हंट जैसे नाटकों में दिखाई दिए और वहां 2003 में पिग हंट एक व्यंग्यपूर्ण नाटक 19 से 26 अक्टूबर तक डोंगसुंग आर्ट सेंटर के छोटे थिएटर में प्रदर्शित किया गया था 11. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा उन्होंने छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की और दो में उन्होंने फिल्म फादर एंड सन द स्टोरी ऑफ मैंसियस में लोन शार्क गैंगस्टर एक के रूप में अभिनय किया जिससे सहायक भूमिकाओं में उनकी प्रतिभा की पहचान बढ़ती गई 2004 में सोन ह्यून जू के साथ फिल्म पर काम करने के दौरान उन्हें एक टेलीविजन नाटक में भूमिका के लिए सिफारिश की गई थी अभिनेता अहम जे वूक जो नाटक ओह फील यंग में मुख्य भूमिका में थे ने ली सुंग मिन की थिएटर प्रतिबद्धताओं को समायोजित करने के लिए अपने कार्यक्रम को भी समायोजित किया नौ अपने परिवार के साथ वादा किया गया तीन साल तेजी से बीत गए फिर भी ली सुंग मिन अपनी अज्ञात स्थिति से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं थे बहुत चिंतन के बाद उन्होंने सियोल में रहने का साहसिक निर्णय लिया एक मिसाल कायम करने और यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया कि उनके जैसे प्रांतीय पृष्ठभूमि से आने वाले अभिनेता अपने अभिनय कौशल के लिए देशव्यापी पहचान हासिल कर सकते हैं अपने परिवार के अटूट समर्थन से वे भी सियोल में स्थानांतरित हो गए हालांकि उनके सामूहिक प्रयासों के बावजूद वित्तीय कठिनाइयां बनी रहीं ली सुंग मिन स्पष्ट रूप से याद करते हैं कि कैसे उस समय के दौरान वो केवल लगभग एक हज़ार वॉन की कीमत वाला सस्ता पोर्क बेली खरीदने में सक्षम थे जिससे उनकी बेटी निराश हो गई थी अतीत की ये चुनौतीपूर्ण यादें आज भी उनके जेहन में गूंजती रहती हैं नौ करियर में सफलता सहायक भूमिकाओं से लेकर मुख्य भूमिकाओं तक ली सुंग मिन ने 2005 में मैराथन सहित कई फिल्मों में अभिनय किया लेकिन उनके दृश्यों का एक बड़ा हिस्सा संपादित कर दिया गया 2006 में उन्होंने फिल्म सिल्क शूज में एक मानवीय गैंगस्टर सियोंग चियोल की भूमिका निभाई जिसे थिएटर ग्रुप चैमू के अभिनेताओं ने मिलकर निर्मित किया था हालांकि इसने फिल्म उद्योग में ध्यान आकर्षित किया लेकिन कम बजट की फिल्म होने की सीमाओं के कारण इसे आम जनता के बीच व्यापक मान्यता नहीं मिली बारह हालांकि ली ने धीरे धीरे विभिन्न फिल्मों और नाटकों में सहायक अभिनेता के रूप में सफलता हासिल की उन्होंने द किंग्स लेटर्स में एक विद्वान चोई मानरी गो गो सत्तर के दशक में एक पॉप स्तंभकार और द अंजिस्ट में एक मुख्य अभियोजक जैसे पात्रों को चित्रित किया नौ ली सुंग मिन ने निर्देशक पाक चांद वू की फिल्म थर्स्ट में अभिनय करने के अवसर का लाभ उठाया सॉन्ग हो जिनके साथ उन्होंने पहले सीक्रेट सनशाइन में काम किया था ने व्यक्तिगत रूप से उनकी सिफारिश की थी तेरह हालांकि ऑडिशन के दौरान जब पूछा गया कि क्या वो सॉन्ग हो के करीब हैं तो ली सुंगमिन ने ईमानदारी से जवाब दिया हम करीब नहीं हैं परिणामस्वरूप ऐसा लगता है कि ली सुंगमिन संभवत अपनी प्रतिक्रिया के कारण ऑडिशन में उत्तीर्ण नहीं हुए बाद में जब सोंग कांगहो ने उनसे पूछा आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम करीब थे ली सुंगमिन ने कथित तौर पर जवाब दिया ईमानदारी से कहूं तो हम वास्तव में करीब नहीं थे चौदह बावजूद इसके ली सुंगमिन ने धीरे धीरे दर्शकों पर अमिट छाप छोड़नी शुरू कर दी ये सब 2010 हजार दस नाटक पास्ता में रेस्तरां प्रबंधक सियोल जून सेओक के उनके चित्रण के साथ शुरू हुआ अपने चरित्र की अप्रत्याशित विशेषताओं के बावजूद ली ने एक ऐसे खलनायक के रूप में मनमोहक प्रदर्शन किया जिससे नफरत करना कठिन था इसके बाद वो ग्लोरिया कैन यू हियर माई हॉर्ट जैसे नाटकों ए लिटिल पॉर्न जैसी फिल्मों और द स्टोरी ऑफ नुलिग्यून द थीफ जैसे नाटकों में दिखाई देते रहे नौ 2011 में उन्होंने के बी दो टीवी नाटक ब्रेन में महत्वाकांक्षा से ग्रस्त डॉक्टर डॉक्टर गो जे हक की भूमिका निभाई एमबीसी नाटक माई प्रिंसेस में उन्होंने राष्ट्रपति ली यंग चांद का किरदार निभाया जो अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्यायपूर्ण और धर्मी होने का दिखावा करते थे नाइन ली सुंगमिन जिन्होंने अक्सर अनपेक्षित खलनायक भूमिकाएं निभाई थीं 2012 हज़ार एमबीसी नाटक द किंग दो हार्ट्स में सफलतापूर्वक एक छवि परिवर्तन किया उस समय उन्हें नायक ली सेंगी के बड़े भाई और पूर्व क्राउन प्रिंस लीजे कांग के चित्रण के लिए प्रशंसा मिली नौ कुछ महीने बाद एमबीसी नाटक गोल्डन टाइम में उन्होंने आघात विशेषज्ञ चोई इनह्युक की भूमिका निभाई महत्व की दृष्टि से वह व्यवहारिक रूप से मुख्य भूमिका के बराबर था ये बताया गया कि ली सुंग मिन ने नाटक ब्रेन में गोजे हक के रूप में अपनी पिछली भूमिका से अभिनय की एक अलग शैली दिखाने के लिए सात किलो वजन कम किया जहां उन्होंने एक डॉक्टर की भूमिका भी निभाई थी इसके अलावा एक प्रसिद्ध किस्सा है कि फिल्मांकन के दौरान उन्होंने एक आपातकालीन कक्ष डॉक्टर के सार को पकड़ने के लिए घिसे पिटे स्नीकर्स को अपने साथ ले लिया अंत में ली सुंग मिन को जनता द्वारा मुख्य अभिनेता के रूप में आत्मविश्वास से पहचाना गया नौ करियर शिखर और आलोचनात्मक प्रशंसा 2013 के अंत में रिलीज हुई फिल्म द अटॉनी में उन्होंने नायक सोंग बुसेओ के हाई स्कूल के सहपाठी ली यून की भूमिका निभाई जो एक वकील सॉन्ग कांग हो द्वारा अभिनीत और एक पत्रकार है बुसान क्षेत्र में एक समाचार पत्र के सामाजिक विभाग के लिए हालांकि यह एक सहायक भूमिका थी फिर भी उनकी उपस्थिति काफी थी एमबीसी नाटक मिस कोरिया में जो लगभग उसी समय प्रसारित हुआ उन्होंने एक पूर्व गैंगस्टर जंग सनसेंग का किरदार निभाया जो एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के सीईओ किम ह्यूंग जून ली सनक्यू द्वारा अभी नीत के कर्ज के कारण पीछा कर रहा है नौ ली सुंग मिन 2014 हज़ार चौदह टीवीएन नाटक मिसेंग इनकम्प्लीट लाइफ में अपनी उपस्थिति के साथ अपने अभिनय करियर के चरम पर पहुंच गए निर्देशक किम बोन सेओक और लेखक जंग यून जंग द्वारा निर्देशित ये 20 एपिसोड श्रृंखला इसी शीर्षक की यूंताए हो कि वेबटून श्रृंखला का रूपांतरण थी एक पाँच एक छः एक सात एक आठ शीर्षक गो शब्दावली से अनुवादित अपूर्ण जीवन के विचार को व्यक्त करता है जो अभी तक पूरी तरह से जीवित न होने के सार को दर्शाता है विशेष रूप से मिसिंग ने जॉर्डन में स्थान पर फिल्माए जाने वाले पहले कोरियाई नाटक के रूप में इतिहास रचा जिसमें अभिनेता एम सी वान और ली सुंग मिन ने अम्मान पेट्रा और वाडी रम में श्रृंखला के प्रस्तावना की शूटिंग की उन्नीस नाटक एक सांस्कृतिक घटना बन गया जिसने दक्षिण कोरिया में एक केबल नेटवर्क कार्यक्रम के लिए उल्लेखनीय दर्शक रेटिंग हासिल की दो शून्य दो एक दो, दो दो तीन दो चार ली को कामकाजी पेशेवर ओह सांगसिक के प्रामाणिक चित्रण के लिए दर्शकों से प्रशंसा मिली उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें बावनवें बैकसॉन्ग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और 2016 हज़ार सोलह टीवी दस अवार्ड स में उसी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया नाइन पच्चीस की शुरुआत में ली सुंगमिन ने फिल्म सोरी वॉयस फ्रॉम द हॉट में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने हेग्वान का किरदार निभाया हेग्वान एक ऐसा रोबोट है जो दुनिया की हर ध्वनि को याद रखने की क्षमता रखता है कहानी उनकी बेटी की निरंतर खोज के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उन्होंने 2003 में डेगू में खो दिया था हेग्वान की पत्नी के रूप में कलाकारों में शामिल होने के लिए चैमू के एक साथी सदस्य जियोन हियरजिन हैं छब्बीस फिल्म में ली के अभिनय को हॉलीवुड रिपोर्टर से प्रशंसा मिली उन होने उनके चित्रण की सराहना करते हुए कहा सोरी अपने सबसे मज़बूत रूप में है जब यह हेगवान और उस बेटी के बारे में आश्चर्यजनक प्याज परत शैली की खोजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो वह करता है उसे यकीन है कि वह जानता था फ्लैशबैक में चाई सु बिन द्वारा निभाई गई ली पछतावे और अविश्वास को सहजता से संतुलित करता है और मनुष्य के दुख को नाटकीयता में डाले बिना वास्तविक बना देता है सत्ताईस दो साल बाद उन्होंने फिल्म द स्पाई गॉन नॉर्थ 2018 के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की उनके अभिनय को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्होंने कई पुरस्कार जीते जिनमें बिल्ड फिल्म अवार्ड्स ग्रैंड बेल अवार्ड्स कोरियन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए डायरेक्टर्स कट अवार्ड शामिल हैं उनकी प्रशंसा 2019 में भी जारी रही जब उन्होंने पचपनवें बैकसोंग आर्ट्स अवार्ड्स में फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता नौ दो में फिल्म द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट में उनके प्रदर्शन को एक बार फिर उच्च प्रशंसा मिली पूर्व राष्ट्रपति पाक जंग ही का चित्रण करते हुए ली सुंग मिन ने अपने उत्कृष्ट चित्रण के साथ प्रारंभिक संदेह को खारिज कर दिया एक विशिष्ट ग्योंगसोंग बोली को शामिल किया और एक शक्तिशाली प्रदर्शन दिया नाइन विशेष रूप से नेटफ्लिक्स नाटक जुवेनाइल जस्टिस 2022 की शुरुआत में रिलीज में कांग वोन जून के चरित्र के उनके चित्रण ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और अपने परिवार के प्रति उनकी कठोरता और अपराध बोध ली लीब्यूंग कोरियाई इबायूंग जन्म बारह जुलाई उन्नीस एक एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं उन्हें विभिन्न शैलियों में अपने काम के लिए प्रशंसा मिली है विशेष रूप से संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र 2000, हज़ार ए बिट स्वीट लाइफ दो अच्छा बुरा अजीब 2008, मैंने शैतान को देखा 2010, बहाना 2012 और टेलीविजन श्रृंखला आयरिस 2009 और मिस्टर सनशाइन 2018। उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म इनसाइड मैन 2015 ने उन्हें तीन सबसे प्रतिष्ठित दक्षिण कोरियाई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता बावनवें बैकसॉन्ग कला पुरस्कार सैंतीसवें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और तिरपनवें ग्रैंड बेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ली की सात फिल्में हैं जॉइंट सिक्योरिटी एरिया द गुड द बैड द वियर्ड मास्करेड इनसाइड मैन मास्टर एशफॉल और द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट ली 2012 में फिल्म डिवीजन में और 2018 में टेलीविजन डिवीजन में गैलप कोरिया के वर्ष के अभिनेता थे दो तीन दो शून्य दो एक में वो नेटफ्लिक्स हिट सर्वाइवल श्रृंखला स्क्विड गेम में फ्रंटमैन के रूप में एक आ वर्ती भूमिका में दिखाई दिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें जीआईजो द राइज ऑफ कोबरा 2009 और इसके सीक्वल जीआईजो रिटालियेशन दो 2013 में स्टॉम शेडो को चित्रित करने और रेड दो ट्वेंटी में ब्रूस विलिस के साथ अभिनय करने के लिए जाना जाता है उन्होंने टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 हजार पंद्रह में ती एक हजार और द मैग्निफिसेंट सेवन 2016 में बिली रॉक्स की भूमिका निभाई ली लॉस एंजल्स में वार्षिक अकादमी पुरस्कारों में ऑस्कर प्रस्तुत करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे और अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं चार ली और अहमसू की हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ग्रूमैन के चीनी थिएटर के प्रांगण में अपने हाथ और पैरों के निशान छापने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे करियर शुरुआत और सफलता ली का करियर उन्नीस में के प्रतिभा ऑडिशन और टेलीविजन नाटक डामर माई होमटाउन में अपनी शुरुआत के बाद शुरू हुआ पांच ली ने एक्शन ड्रामा एस्फाल्ट मैन और रोमांटिक फिल्म द हारमोनियम इन माई मेमोरी से ध्यान आकर्षित किया छह लेकिन 2000 में ही उन्हें पाक चांद वूक के जॉइंट सिक्योरिटी एरिया से बड़ी सफलता मिली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई सेवन एक सीमा रक्षक सैनिक के रूप में ली की भूमिका ने उन्हें बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया वैश्विक स्टार्डम 2001 में जब ली ने मेलोड्रामा ब्यूटीफुल डेज और बंजी जंपिंग ऑफ देयर ओन में अभिनय किया तब उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही आठ दो में पोकर ड्रामा ऑल इन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में ग्रांड पुरस्कार और बैकसॉन्ग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला नाइन अपनी फ़िल्म और टेलीविज़न भूमिकाओं के कारण ली ने पूरे एशिया विशेषकर जापान में लोकप्रियता में वृद्धि का अनुभव किया दस ग्यारह दो हज़ार आठ टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2005 से ली ने फिल्म पर ध्यान केंद्रित किया और किम जी वून द्वारा निर्देशित ए बिट स्वीट लाइफ में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की 12 तेरह जिसे कांस फ़िल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था चौदह ली को ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था और चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स बैकसॉन्ग आर्ट्स अवार्ड्स और कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में जीत हासिल की ली ने निर्देशक किम जी वून के साथ किमची वेस्टर्न द गुड द बैड द वियड में अपनी पहली खलनायक की भूमिका निभाई पंद्रह फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया सोलह फिल्म में ली के आकर्षक प्रदर्शन के कारण उन्हें वैश्विक पहचान मिली सत्रह इससे ली की हॉलीवुड में शुरुआत हुई जहां उन्होंने जियाआई जो द राइज ऑफ कोबरा में स्टॉम शैडो की भूमिका निभाई जिसमें चैनिंग टैटम और सेना में भी थे अठारह उन्नीस कोरिया में वापस ली अमेरिकी अभिनेता जोश हार्टनेट और जापानी अभिनेता ताकुया किमुरा के साथ आई कम विद द रेन में दिखाई दिए बीस 20, ली 2009 के अंत में जासूसी एक्शन थ्रिलर आयरिस में एक गुप्त एजेंट के रूप में टेलीविजन पर लौटे जो खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के केंद्र में पाता है इक्कीस कथित तौर पर उन्हें अपनी भूमिका के लिए प्रति एपिसोड सौ मिलियन से अधिक जीते गए जो देश के नाटक इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार था बाईस आयरिस अब तक निर्मित सबसे महंगे शो में से एक था और पूरे एशिया में जबरदस्त हिट था तेईस चौबीस ली के प्रदर्शन ने उन्हें केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार और बैकसॉन्ग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभी नेता का पुरस्कार दिलाया पच्चीस छब्बीस दो में ली ने चोई मिनसिक के साथ आइस ऑफ द डेविल में अभिनय किया सत्ताइस किम जीवून के साथ उनका तीसरा सहयोग जिसका प्रीमियर सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ अट्ठाईस खुफिया एजेंट के उनके चित्रण ने उन्हें बैकसॉन्ग कला पुरस्कार में ग्रांड पुरस्कार दिलाया उनतीस प्रशंसा और हॉलीवुड भूमिकाएं ली को भव्य पीरियड ड्रामा मास्करेड में दोहरी भूमिकाओं के चित्रण के लिए प्रशंसा मिली तीस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही कोरियाई इतिहास में दस मिलियन प्रवेश को पार करने वाली सातवीं फिल्म बन गई इकतीस ली ने अपने प्रदर्शन के लिए ग्रैंड बिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता बत्तीस तैंतीस तेईस जून 2012 को ली अहम सुंगकी के साथ हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ग्रूमन के चीनी थिएटर के प्रांगण में अपने हाथ और पैरों के निशान छोड़ने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बन गए जे आई जो द राइज ऑफ कोबरा और इसके सीक्वल जेआई जो रिटालिएशन में स्टॉम शेडो की भूमिका के लिए उन्हें हॉलीवुड में एक उभरते सितारे के रूप में पहचाना गया चौतीस जियाआई जो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर में 2013 में ली ने जियाई जो रिटेलिएशन में स्टॉम शेडो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई पैंतीस छत्तीस इसके बाद उन्होंने ब्रूस विलिस कैथरीन जेटा जोन्स हेलेन मिरिन और जॉन मेलकोविच के साथ 2010 की एक्शन कॉमेडी हिट रेट की अगली कड़ी अमेरिकी फिल्म रेट डो में सह अभिनय किया सैंतीस अड़तीस अपने सेक्स चैट स्कैंडल के बाद ली ने दो में मार्शल आर्ट फिल्म मेमोरीज ऑफ द वॉर के साथ वापसी की फिल्म की शूटिंग 2013 के अंत में हुई थी और 2014 में रिलीज होने वाली थी लेकिन ली के स्कैंडल के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था उनतालीस एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा के रूप में उनकी दृश्य चोरी की भूमिका के लिए उन्हें प्रशंसा मिली लेकिन फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही और इसके गंदे कथानक के लिए उनकी आलोचना की गई चालीस उसी वर्ष ली ने अनोल श्वार्सनेगर के सामने टर्मिनेटर जेनेसिस में ती दस शून्य शून्य की भूमिका निभाई इकतालीस बयालीस इसके बाद उन्होंने वो मिनहों की राजनीतिक अपराध इनसाइड मैन में अभिनय किया तैंतालीस जो कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली आर रेटेड फिल्म बन गई चौवालीस फिल्म के स्टार कहे जाने वाले ली को आलोचकों की प्रशंसा मिली और विभिन्न फिल्म पुरस्कार समारोहों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला पैंतालीस छियालीस दो में ली ने अमेरिकी अपराध थरिलर मिसकंडक्ट में अभिनय किया सैंतालीस अड़तालीस अट्ठाईस फरवरी 2016 को ली ने अठासीवें अकादमी पुरस्कार में भाग लिया और अभिनेत्री सोफिया वर्गारा के साथ सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया वो ऑस्कर में पुरस्कार प्रस्तुत करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता थे उनचास पचास उसी वर्ष ली ने डेंजल वाशिंगटन क्रिस प्रैट और एथन हॉक के साथ द मैग्निफिसेंट सेवन में चाकूधारी बंदूकधारी बिली रॉक्स के रूप में सह अभिनय किया इक्यावन बावन कोरिया लौटकर ली ने अपराध थ्रिलर मास्टर में अभिनय किया तिरपन चौवन उसके बाद रहस्य नाटक सिंगल राइडर में अभिनय किया पचपन छप्पन मार्च 2017 में ली ने प्रमुख हॉलीवुड एजेंसी यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए सत्तावन उन्हें हॉलीवुड एक्शन फिल्म रेडियंस में लिया गया था फिल्म का निर्देशन पैट्रिक लूसियर ने किया है जिन्होंने ली के साथ टर्मिनेटर जेनेसिस में काम किया था अट्ठावन इसके बाद ली ने ऐतिहासिक महाकाव्य द फोर्ट्रेस उनसठ साठ और कॉमेडी ड्रामा फिल्म कीज टू द हॉट में अभिनय किया इकसठ बासठ टेलीविजन पर वापसी और प्रशंसा जनवरी 2019 में 2018 में ली ने किम इनसुक द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक युद्ध नाटक मिस्टर सनशाइन में टेलीविजन पर वापसी की तिरसठ श्रृंखला व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही और ली ने छह वे एपीएन स्टार अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार जीता चौंसठ 2019 में ली ने एक्शन फिल्म एशफॉल में अभिनय किया छह पाँच छः दो शून्य दो शून्य में ली ने राजनीतिक नाटक द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट में अभिनय किया सड़सठ दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और मुख्य अभिनेता के रूप में ली की ब्रांड शक्ति साबित हुई अड़सठ ली ने राजनीतिक थरिल विमानन आपदा फिल्म इमरजेंसी डिक्लेरेशन में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर 3 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया में नाटकीय रिलीज से पहले जुलाई 2021 में चौहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर हुआ सत्तर सितंबर 2021 में वह नेटफ्लिक्स के सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम में फ्रंटमैन के रूप में दिखाई दिए इकहत्तर पंद्रहवें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में उन्हें एशियाई फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले पहले कोरियाई अभिनेता हैं जो एशियाई सिनेमा और संस्कृति में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है बहत्तर 2022 में ली ने नो ही क्यूंग द्वारा लिखित टीवी एंड टेलीविजन श्रृंखला अवर ब्लूज में अभिनय किया तिहत्तर वो पाक बो यंग और सियो जून के साथ उमताए हवा की आपदा थ्रिलर फिल्म कंक्रीट यूटोपिया में भी दिखाई देंगे चौहत्तर चौदह सितंबर दो हज़ार तेईस को लीटीसीएल चीनी थिएटर में अपने छाप समारोह में रॉक स्टार योशिकी का परिचय देने के लिए चुने गए अतिथि वक्ताओं में से एक थे पचहत्तर अन्य कार्य ली ने एक प्रबंधन कंपनी बीएच एंटरटेनमेंट बनाई जो हान ह्योजू गोसू जिनगु जिनयोंग और हान जी मिन सहित कई अभिनेताओं का प्रबंधन करती है छिहत्तर उनकी एक दुकान है बीएचएनसी जो टोपी स्कार्फ और बटुए बेचती है सतहत्तर हुन को वीडियो गेम उद्योग में एक्सबॉक्स 360, PS3 और पीसी के लिए 2006 के गेम लॉस्ट प्लेनेट एक्सट्रीम कंडीशन में मुख्य पात्र वेन होल्डन के लिए अपनी समानता प्रदान करने के लिए जाना जाता है अठहत्तर राजदूत भूमिकाएं 2010 में ली को कोरिया में कैलिफोर्निया का पर्यटन प्रचार राजदूत नामित किया गया था उन्यासी 2013 में ली को एसोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशनल की उस वर्ष की वार्षिक बैठक के लिए मानद राजदूत के रूप में चुना गया था जो एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है अस्सी उसी वर्ष उन्हें पचासवें डेजोंग फिल्म पुरस्कारों को बढ़ावा देने के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया था इक्यासी परोपकार मार्च 2011 में ली ने जापान में भूकंप और सुनामी से प्रभावित स्थानीय निवासियों की मदद के लिए कोरियाई रेड क्रॉस को 700 मिलियन वोन का दान दिया बयासी नवंबर 2016 में ली ने बीमार बच्चों के समर्थन के लिए एक अभियान हरू के लिए ग्रीन अम्ब्रिला चिल्ड्रंस फाउंडेशन को आवाज दान दिया तिरासी अप्रैल 2019 में ली और उनकी पत्नी ली मिन जंग ने गैंगवोनडो में जंगल की आग के पीड़ितों को 100 मिलियन का दान दिया चौरासी फरवरी 2020 में ली ने कोरिया के कम्युनिटी चेस्ट के फ्रूट ऑफ लव के माध्यम से 100 मिलियन का दान दिया और उनके दान का उपयोग कमजोर समूहों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए किया गया पिचासी अक्टूबर 2020 में ली ने द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हेरिटेज द्वारा मल्टीमीडिया प्रकार की ब्रेल संवेदी पुस्तक के लिए आवाज़ दान किया छियासी तीस दिसंबर 2020 को ली ने कम आय वाले परिवारों के बच्चों की मदद करने के लिए ग्रीन अम्ब्रेला चिल्ड्रन्स फाउंडेशन को 100 मिलियन वॉन का दान दिया जिन्हें सीओवीआईडी 19 के कार जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सतासी 12 जुलाई 2021 को ली ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सियोल के आसन चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 100 मिलियन बोन का दान दिया अट्ठासी 6 मार्च 2022 को ली ने उल्जिन और सैमचोक जंगल की आग से प्रभावित निवासियों की मदद के लिए होप ब्रिज डिज़ास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन बोन का दान दिया और कहा जाता है कि उनके दान का उपयोग उन पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो अपने घरों से निकल रहे हैं नवासी व्यक्तिगत जीवन ली का जन्म सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था उनकी एक छोटी बहन ली यून ही है जिन्होंने उन्नीस में मिस कोरिया का मिस कांगिनेलिटी भाग जीता था छह उन्होंने हयांग विश्वविद्यालय से फ्रेंच साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और चुंग आंग विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थिएटर और सिनेमेटोग्राफी पांच नब्बे अपने खाली समय में ली ताइक्वॉन्डो का अभ्यास करते हैं इक्यानवे बानवे रिश्ते ली पहले 2000 के दशक की शुरुआत में साथ ही ऑल इन लीड सॉन्ग है क्यों के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे हालांकि यह रिश्ता पूरी तरह से गुप्त रखा गया और शायद ही कभी प्रचारित किया गया लेकिन जून 2004 के मध्य में अलग होने से पहले ये पंद्रह महीने तक चला तिरानवे ली ने दस अगस्त दो को ग्रैंड हयात सियोल में अभिनेत्री ली मिन जंग से शादी की चौरानवे इस जोड़े ने 2006 में कुछ समय के लिए डेट किया था फिर 2012 में अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया पचानवे ली की पत्नी ने 31 मार्च 2015 को अपने बच्चे एक बेटे ली जून हु को जन्म दिया छियानवे चार अगस्त को 2023 ली की पत्नी ने पुष्टि की कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है उन्होंने अपने दूसरे बच्चे एक बेटी के जन्म का स्वागत किया जिसका जन्म 21 दिसंबर 2023 को हुआ सत्तानवे अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ कर्ज चुकाने के बाद ली अवसाद में आ गए इसके बाद उन्हें घबराहट संबंधी विकार होने लगे और पुरस्कार समारोहों में भाग लेना मुश्किल हो गया ली अपनी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से उबरने में मदद करने का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं अट्ठानवे दीवानी मुकदमा और आदतन जुए के आरोप 9 दिसंबर 2009 को ली की पूर्व प्रेमिका क्वनमी यौन ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे शादी के वादे के आधार पर स्टार के साथ यौन संबंध बनाने के लिए धोखा दिया गया था उसने दावा किया कि ली ने उसे मानसिक पीड़ा और शारीरिक क्षति पहुंचाई साथ ही दावा किया कि ली एक पुराना जुआरी है और उसने 100 मिलियन जीते का मुकदमा किया है ली की एजेंसी बीएच एंटरटेनमेंट ने प्रतिवाद किया कि उनके सभी दावे झूठे थे और ब्रेकअप के कारण मुकदमा प्रतिशोधात्मक प्रकृति का था ली ने मानहानि और जबरन वसूली के लिए कौन पर प्रतिवाद किया नाइन्टी मुकदमा दायर होने के कुछ ही समय बाद टीवी शो होस्ट कांग क्यू टीवी नाटक आयरिस के सेट पर दिखाई दिए जिस पर ली उस समय काम कर रहे थे उन पर गैंगस्टरों को लाने और एक निर्माता के साथ संघर्ष के कारण अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया था उन्होंने दावा किया कि अफवाहें फैलाई गईं कि ली और कोन के बीच झगड़े के पीछे कांग का हाथ था इस घटना के कारण कांग को हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कांग को बाद में ब्लैकमेल और मानहानि के आरोप में भी दोषी ठहराया गया था अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2009 में कांग और कुन ने ली को बड़ी रकम के लिए ब्लैकमेल करने के लिए मिली भगत की थी इससे पहले कि ली ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था दिसंबर में कौन ने अपना नागरिक मुकदमा दायर किया था 101-102 19 मार्च 2010 को अभियोजकों द्वारा कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए ली को अवैध जुए के आरोप से मुक्त कर दिया गया 103 कार्यवाही में भागीदारी की कमी के कारण क्वन का नुकसान का दावा अंततः अगस्त 2010 में रद्द कर दिया गया 104 सौ कांग को अंततः धोखाधड़ी और हमले के आरोप में 2013 में एक साल की जेल और तीन साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई 105 ब्लैकमेल कांड 28 अगस्त 2014 को के पॉप गर्ल ग्रुप ग्लैम 106 की गायिका डेही और मॉडल ली जी यौन एक ने ली को इंटरनेट पर रिलीज न करने के बदले में पांच बिलियन बोन लगभग एस चालीस लाख डॉलर के लिए ब्लैकमेल किया था तीन जुलाई को उनके साथ शराब पीते हुए यौन मजाक करते हुए उनका एक आपत्तिजनक वीडियो 108 बिलियन 109 मिलियन वन हंड्रेड ली द्वारा पुलिस को अपराध की सूचना देने के बाद देही और लीजी योन को 1 सितंबर को गिरफ़्तार कर लिया गया 112 जब उन्होंने पैसे ले जाने के लिए उसे दो सूटकेस सौंपे एक बाद में ये पता चला कि अपराध पूरी तरह से ज नबूझकर और पूर्व नियोजित था क्योंकि देही और लीजी योन दोनों ने यूरोप भागने के लिए हवाई जहाज़ के टिकटों की तलाश की थी 114 और पैसे के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले दो सूटकेस खरीदे थे 115 इसके अलावा दोनों महिलाओं ने गुप्त रूप से रसोई के सिंक में स्मार्टफोन रखकर लीजी योन को गले लगाते हुए एक अतिरिक्त वीडियो फिल्माने का प्रयास किया लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहीं 116 सौ सोलह हालांकि लीजी योन ने दावा किया कि ली के साथ ब्रेकअप के बाद ब्लैकमेलिंग एक आवेगपूर्ण कार्य था एक सौ जिसके लिए ली की एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ली एक बार भी उससे अकेले नहीं मिले थे और वो उन्होंने दोनों महिलाओं से कहा कि जब उन्हें उनकी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बात करने के बाद उनके गलत इरादों का एहसास हुआ तो वो उनसे मिलना बंद करना चाहते थे 115 उन्होंने उनसे एक घर खरीदने की मांग की एक अंतिम सुनवाई पंद्रह जनवरी दो को सियोल जिला न्यायालय में हुई एक जहां डाही को एक साल जेल और ली जी योन को एक साल और दो महीने की सज़ा सुनाई गई 121,122 फरवरी में सजा सुनाए जाने के बाद ली ने महिलाओं के लिए क्षमा का अनुरोध किया जबकि अभियोजन प्रभारी ने महसूस किया कि सजा बहुत कम थी 123 मार्च में दोनों महिलाएं जो छह महीने से जेल में थीं ली के क्षमा अनुरोध के बाद उन्हें दो साल के लिए निलंबित सजा मिली 124 दही की सजा के बाद के पॉप गर्ल समूह ग्लैम को भंग कर दिया गया फिल्मोग्राफी मुख्य लेख ली ब्यूंग फिल्मोग्राफी डिस्कोग्राफी एल्बम वर्ष एल्बम का नाम उन्नीस सौ निन्यानवे ली ब्यूंग हुन मेरे लिए एकल वर्ष एकल नाम 2008 हज़ार आठ किसी दिन साउंड ट्रैक वर्ष रास्ता एल्बम 2010 रहना आयरिस ओएसटी कभी ना खत्म होने वाला रोड पुरस्कार और नामांकन मुख्य लेख ली ब्यूंग हुन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची नोट्स उन्हें आफ्टर स्प्रिंग में एक फीचर फिल्म में पहली भूमिका मिली 2018 में किम को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल श्रृंखला किंगडम में मुख्य पात्रों में से एक के रूप में चुना गया था जिसमें एक महत्वाकांक्षी किशोर रानी के असामान्य चरित्र को चित्रित किया गया था जो सिंहासन के उत्तराधिकारी की उम्मीद कर रही है 2018 के अंत में वो टीवी श्रृंखला मैट्रिमोनियल क्याउस में बेडोना के साथ फिर से जुड़ गई जिसमें उन्होंने बे की छोटी बहन की भूमिका निभाई हालांकि किंगडम में किम के अभिनय की कुछ दर्शकों द्वारा आलोचना की गई 2020 में उन्हें ब्लैक कॉमेडी मिस्ट्री एमबीसी टेलीविजन श्रृंखला चिपिन 2020 में ओनारा के साथ मुख्य भूमिका मिली पांच छः जिसमें उन्होंने 2020 एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता सात 2021 में किम को जेटीबीसी निर्मित मिस्ट्री थ्रिलर इंस्पेक्टर कू में ली यंग ए के साथ मुख्य भूमिकाओं में से एक चुना गया था जिसमें किम एक कॉलेज छात्र का किरदार निभाती है जो गुप्त रूप से एक क्रूर सीरियल किलर है आठ 2022 में वो डिज्नी जो ड्रामा कनेक्ट में दिखाई देंगी जो दिसंबर में प्रसारित होने वाला है प्रारंभिक जीवन सॉन्ग कांग हो का जन्म 17 जनवरी उन्नीस को दक्षिण कोरिया के दक्षिण ग्योंगसोंग प्रांत के गिम्हे में हुआ था उन्होंने गिम्हे स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और गारक मिडिल स्कूल में अपने द्वितीय वर्ष से ही अभिनेता बनने की आकांक्षा रखते थे उस समय पूरे देश में केवल पांच थिएटर और फिल्म विभाग थे प्रवेश परीक्षा में एक बार असफल होने के बावजूद उन्होंने अंततः बुसान में ग्योंगसोंग नेशनल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया आठ नौ हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए नियुक्त कर लिया गया अपनी सेवा पूरी करने के बाद सॉन्ग कॉलेज नहीं लौटा बल्कि तेईस साल की उम्र में बुसान में एक स्थानीय थिएटर कंपनी में अभिनय करना शुरू कर दिया दस करियर प्रारंभिक करियर उन्नीस में सोंग कांग होने बुसान में यौनवू थिएटर कंपनी नोट एक के एक नाटक मिस्टर चोई के प्रदर्शन में भाग लिया इस अनुभव ने अभिनय के प्रति उनके जुनून को जगाया और उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया अगले वर्ष तेईस वर्ष की आयु में वह अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के एकमात्र उद्देश्य से सियोल चले गए और बिना किसी ठोस योजना के वे तुरंत यौनवु थिएटर की ओर चले गए सॉन्ग ने योनबू थिएटर कंपनी के निदेशक रयूताय हो से संपर्क किया और विनम्रतापूर्वक रहने और योगदान करने का अवसर देने का अनोध किया भले ही इसका मतलब थिएटर क्लीनर के रूप में काम करना हो अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने चार बार थिएटर का दौरा किया और अपनी संपर्क जानकारी छोड़ी जैसा कि भाग्य को मंजूर था कर्मचारियों की कमी के कारण अंततः उन्हें थिएटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सहायता करने के लिए बुलाया गया